अरे तो तुम्हें क्या लगता है? हमने समझाया नहीं उसको। अरे बहुत अच्छे से समझाया साला, ढीठा नहीं समझ रहा तो क्या करें अभी हम? सर हमको ही कार्य दे दी, हमको कह रहा साला 24 घंटे में इस असंभव काम को संभव करके दिखाओ। कैसे करके दिखा सर? काम क्या करने को बोला है? हमको कह रहा है कि 12 बजे तक, कल दोपहर 12 बजे तक हमारा जो क्या है वो सीडी सेंटर को एक मोबाइल सेंटर बना के दिखाओ, वो भी उनकी शर्तों के हिसाब। साला कैसे करेंगे 12 बजे तक कल दोपहर? हम करेंगे। अगर सपना देखने की हिम्मत रखते हैं तो उसे पूरा करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अब शुरू तो कीजिए, हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। सही बात है भैया, भाभी जो है ना एकदम फर्राटेदार बात कर रही है, कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं भैया। चलिए चलते हैं। बिल्कुल, हम भाभी के साथ हैं एकदम। अबे चुप रहो तुम लोग, तुमको मालूम है साले 12 घंटे के अंदर काम करना कैसे काम होगा? असंभव कार्य, हम जानते नहीं हो पाएगा। हम सब लोग मिलके करेंगे तो जरूर हो जाएगा। हम भी आप लोगों की मदद करने को तैयार हैं। सब निकाल लो अपनी अपनी भड़ास, चलो आ जाओ कर लो। हाय हाय भोजा रानी, अरे घर का इतना सारा काम पड़ा है और ऐसे कैसे तुम घर के बाहर जाके काम करियो? और ये घर का काम कौन रखती है? अबे और का बस रज्जुक दुलाइन रुंझु नाच कौनो काम ना ही करिए। पहला वो अपन पत्नी धर्म निभाई है, ओका बाद सब काम। और जौन के काम का बहुत चिंता है ना, तो जाए के अपन अपन काम करो, जाओ। रुंझुन बेटा तुम जाओ, जाए के मदद करो। चलो कात में रहो सबके साथ। चलो सारे नक्शे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और जो भी काम करना है नक्शों में दी हुई साइज के हिसाब से ही हम लोग को करना है। ऐसा में बहुत कम है, नहीं हो पाएगा, हमको मालूम है ना, कहाँ है तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? सब हो जाएगा, हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ ये जगह खाली करनी पड़ेगी। भाभी आप फिक्र मत करिए, हम फटाफट सब काम कर देंगे। ठीक है जब्बू भैया, तो फिर आप टीपी टिल्लू आप लोग यहाँ से सारा सामान हटा करके यहाँ पे रख दीजिए, और आप और हम इंच टेप से सारी साइज नाप करके वहां पे जाके निशान लगाएंगे। और हम तुम जब्बू भैया की मदद करो। अरे टिपी टिल्लू तुम लोग भी ना यार, फालतू का टाइम बर्बाद करो, चलो जल्दी चलो। चलो चलो कुक्कन सामान लेके आ गया, चलो 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 जल्दी पहुंच गया, चलो चलो भारी है जल्दी कर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, बस
कुकन भैया ये आधी रात को सामान मिला कैसे? अबे पूछो मत, गुड्डू भैया ने कहा हो कुकन ने टाइम से काम ना किया तो धिक्कार है कुकन के ऊपर। अब दुकान वाला तो सो रहा था मुंह खोल के ऐसे, हम गए भाई घुसेर दिया कट्टा। अच्छा लगा साला हाथ पैर जोड़ने का, भैया माफ कर दो। अच्छा इसके बाद जब हमने कट्टा मुंह से निकाला तो उसने दुकान खोला, हम सब सामान लदवाए और लेके चले आए झम्म से। देखो अरे कुकन भैया की जय। अगर ढंग से करना था ना काम। चलो जाओ तुम, ये छोड़ दो ऊपर, मैं छोड़ो, चलो जाओ। आसमान यहाँ तो तीन डब्बे नजर आ रहे हैं हमको, चौथा रंग कहाँ है? अरे भैया दुकानदार के पास ये रंग था ही नहीं, दूसरी दुकान पे ही पता किया लेकिन कहीं मिला ही नहीं। अबे सारा मिला नहीं तो क्या, अबे काम कैसे होगा इसके बिना?
अरे तुमको एक काम कहा जाता है, एक काम नहीं कर सकते तुम ढंग से। अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं, हम इंतजाम कर लेंगे। अरे तुम कहां से इंतजाम करोगे, साले रंग चार हैं, डब्बे तीन हैं, काम कैसे होगा? अरे हम साड़ी रंगते हैं ना, तो हमारे पास उसका रंग पड़ा हुआ है, वो सफेद रंग में अगर वो रंग डाल देंगे तो आसमानी रंग बन जाएगा। आसमानी रंग चाहिए ना? हाँ आसमानी चाहिए। ठीक है हम देखते हैं। चलो जल्दी जाओ, जल्दी करो, फिर समय बहुत कम है। जोर लगा के जोश में प्यारे आओ जीत ले मुश्किल बाजी, दम लगा के अरे साथ निभा के आओ खोज ले मंजिल साथी, तक दिन 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 तक दिन दिन तक दिन 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 तक दिन दिन। आसान है सब जब ठान ले मन, आसान है सब जब ठान ले मन, तक दिन 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 तक दिन दिन तक दिन 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 तक दिन दिन तक दिन 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 तक दिन दिन। अबे विष्णु पाड़े, हाँ अबे तुमका कुछ समझ मज में आवत है कि नहीं? अबे इतना बड़ा ड्रामा चल रहा उधर कई रंग कलम में, तुम हो कि ससुरे तुमका अपनी को रख जाने का पड़ा है? कुछ सोचो, नहीं तो ना वो गुडुआ का मोबाइल सेंटर बंद है ना, देर नहीं लगी है। अबे कलसन वाली साला, सोच सोच के ना हमारा दिमाग खाली हो गया है, कुछ सोचा नहीं जा रहा है अभी, समझी? जाना थे कि तुम ना कभी भी कुछ भी सोचना ही पियो, बाकी हमरे बाप भी कलसन के गिराम पे ढाने वे, हम ना अपना काम कर दिए। तो कौन सा काम कर दिए तू? अबे विष्णु पाड़े, अबे अबे हम ना गुडवा के गिरोह में एक ऐसा आदमी फिट किए ना बे, जो का मोबाइल सेंटर को तहस नहस कर सकते हैं। अबे सीधे सीधे बता, किसको फिट किया है तूने वहाँ? अबे विष्णु पाड़े, अबे महादेवी को। क्या? हाँ महादेवी? अपनी महादेवी? अब एकदम अपनी महादेवी। पगली? हाँ? अरे वो महादेवी नहीं, महामूरख है, समझे? महादेवी को फिट किया है, बकवास कर रही है। महादेवी को फिट किया, घर की बात। हाँ, अब महादेवी नहीं विष्णु पांडे अपना कमाल दिखाएंगे। अरे मम्मी हमें नहीं आना, अभी हम काम कर रहे हैं। अरे महादेवी, मामी ठीक कह रही है ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रात भर सोई नहीं हो, जाओ जाओ जाके आराम करो। हम कह रहे हैं कि तुमको घर आओ तो सीधा घर आओ, चलो अंदर आओ। जाओ और चलो तुमको घर उसर में डाल के ना ऐसा कुटी कि तुमको पता चल जाएगा कौन होते। साला समझाएं क्या इसको, मीठी छुरी को? फिर गुस्सा, कितना गुस्सा आता है आपको? हमको एक बात बताइए, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोला हो और आपको गुस्सा नहीं आया हो? ठीक बात का जवाब दो। साला तुम्हारे खिलाफ कभी ऐसा हुआ है? तुम्हारी भलाई तुम्हारी अच्छाई के बारे में कभी किसी ने सोचो, उनको कभी अच्छा लगे? हमको पक्का यकीन कभी अच्छा नहीं लगा होगा। तुम तो साला हमेशा अपनी मामी की तारीफ करो बस, और कुछ नहीं चाहिए तुमको। साला कर कैसे लेती हो, हमको समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी लोगों को माफ कैसे कर देती हो? इसमें क्या है, बस माफ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। क्या लगता तुमको? साला हमारा दिल बड़ा नहीं। अरे हमारा कहने का मतलब ये थोड़ी ना था, हम बस ये बोल रहे थे कि आपके साथ किसी ने क्या बुरा किया ये मत सोचिए, ये सोचिए कि आप किसी का क्या भला कर सकते हैं। हे भगवान, सत्यों की सीता मैया हो तुम, सच में बात करते हो। एक काम करते हैं, ये जो मोबाइल सेंटर है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एक आश्रम खोलते हैं, तुमको बिठाते तकत पे, लोगों को तेज बांटना, साले बग जड़ाएंगे, तुमको पैसा वैसा खिलाएंगे, कन्नौज का नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, हमारा नाम होगा, और क्या चाहिए बस।
बोलो मंजूर है खोलने क्या? हाँ मंजूर है, पहले मोबाइल सेंटर खोल लीजिए फिर ये सब करिएगा। अरे ऐसे कौन मंत्र भू बोझा रानी तुमको घोल के पिलाई दी है कि आपन सत्यानाश करे पतुली हो? बता काहे अपने बाप महतारी के मान मर्यादा को माटी पलीत करे पतुली हो? बोलो काहे कह रही हूँ लखोर बुड़वा टाटे पर जौन आदमी देखे उका कही ये तो ये ना कि पांडे जी की बिटिया अरे गुड़ो के अड्डे पर गई रही अड्डे पर। हे भगवान। अरे मिठो भाभी, अरे उस बेचारी को काहे आप मुजरिम बना रही हैं? अरे आप ही ने भेजा था ना उसको उस गुड़वा की जासूसी करने के लिए। हाय हाय विष्णु भाई साहब, अरे हमको क्या पड़ा है कि अपनी महादेवी को उस सांप के बिल में भेदी बना के भेज दिए? अरे ओ कलसन वाली, अरे काहे सर फोड़ रही है, छत गिराएगी का? चुपचाप से ना अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ मिठो जी, अरे आपने मेरी बेटी महादेवी को जासूस बनाकर वहाँ भेजा कैसे? अरे मैं कहता हूँ जानती हैं आप जासूस करने का क्या हश्र होता है? मेरी बेटी को देखो कितनी मासूम और भोली है, देखो और उसे इतने खतरनाक काम के लिए वहां भेज दिया उस गुंडे के अड्डे पर। अरे मैं कहता हूँ, अरे कैसी माँ है आप मिठो जी? अरे हमको कौन जरूरत पड़ा है कि अपनी महादेवी को उस गुंडवा के अड्डे पर उस जासूसी फासूसी करे भेज दिया? अरे लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने नहीं भेजा तो इतना गंदा घटिया और नीच काम करने के लिए किसने उसे वहां भेजा? समय लड़ने का नहीं है मिठो भाभी, एक कलसन वाली ये आपस में मिलजुल के ना दुश्मन से लड़ने का टाइम है समझे? इससे पहले कि गुड्डू के साथ वो मोबाइल कंपनी वाले बॉन्ड पेपर साइन करें हमको उसे रोकना होगा। और उसे रोकने का इलाज हमारे पास है। क्या करो बे? मैं कहता हूँ विष्णु, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। अब ध्यान से सुनो, इस गुडुआ को मोबाइल कंपनी वाले अपना ब्रांच तभी देंगे जब गुडुआ अपनी दुकान को कंपनी के हिसाब से सजाएगा। लेकिन इस जानकारी से हासिल क्या होगा? आगे समाचार ये है कि दुकान का लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। अरे छोड़ो महादेवी, अरे दुकान में काम पूरा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? ससुरी दुकान को तोड़ के ना अगर महल भी बना दिया तो भी कुछ नहीं होगा। वो मोबाइल कंपनी वाले आकर क्या देखेंगे? क्या? अरे वही देखेंगे जो हम दिखाएंगे। अगर सब कुछ जल के स्वाहा हो जाए तो क्या देखेगा? गुड्डू और रुंझुन की मेहनत या राख। तो विष्णु भैया, लेकिन ये सब होगा कैसे? बिल्लो भाभी, हमारा नाम विष्णु पांडे और हम सिर्फ वकील का दिमाग नहीं रखते हैं, साइंटिस्ट का दिमाग भी रखते हैं, समझे? हम दिखाते हैं, ये देखिए। अरे
ये तो रूम फ्रेश करने वाली मशीन है। ठीक, अब ये विष्णु पांडे का ब्रह्मास्त्र है। अब ये मशीन उस गुड्डू शुक्ला की सारी योजनाओं को धुआं कर देगी, उसकी लंका को जला के राख कर देगी। हमरी